नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अलग तरह की मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। हमने थोड़े से बादाम लिए हैं और काजू लिए हैं। अभी इनको साफ पानी से अच्छे से धो लेंगे, 3-4 बार अच्छे से वॉश कर लें आप। अभी हमने एक पैन फ्राई ली है, 1 गिलास पानी डाला है उसमें। और अभी जो हमने बादाम और काजू को अच्छे से धोया है उसको डाल देंगे और इसको 5 मिनट पकाएंगे। ये एक हमने छोटी मतीली ली है तरबूज, तो जानते होंगे आप वाटरमेलन हमारे यहाँ मतीली होती है, तो वही है। इधर हमारे बादाम काजू उबल के रेडी है बिल्कुल। इनको मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। और ये लीजिए, अभी इसके अंदर 1/2 कप दूध डाला है हमने और इसका पेस्ट बना दिया। टोटल हमने 1 कप दूध डाल दिया इसके अंदर और पेस्ट बना दिया। इधर हमने जो मतीली ली थी छोटी, तरबूज लिया था जो, उसको कट कर लिया और उसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। और अभी एक पैन फ्राई में हमने 2 चम्मच घी गरम किया है, और जब अच्छे से गर्म हो गया तो हमारा जो पेस्ट बनाया था हमने मतीरी से, छोटी मतीरी, राजस्थान में इसको मतीरा भी बोलते हैं, लोहिया भी बोलते हैं, आपकी भाषा में इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके बताएं। तरबूज तो आप सभी जानते होंगे, तो ये कच्चा मतीरा है हमारे पास। तो अच्छे से जब ये पक जाए घी के अंदर, तो इसके अंदर जो काजू बादाम का पेस्ट है वो डाल देंगे और इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे और चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे, जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाए तब तक। तो इसको चलाते हुए पकाएं आप। और जब ये अच्छे से पक जाए तो इसके अंदर 4 चम्मच हम मिल्क पाउडर डालेंगे। और इसको अच्छे से मिलाएंगे, तो जल्दी जल्दी चलाते हुए मिलाएं ताकि मिल्क पाउडर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। हमने ना इसके अंदर आटा डाला है, सूजी डाली है, ना बेसन डाला है। अभी हम इसके अंदर 4 चम्मच चीनी डालेंगे। इतने बैटर के लिए 4 चम्मच काफ़ी है। आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो ज़्यादा डालें अपने हिसाब से। और अच्छे से मिक्स करते जाएं इसको, और जब तक ये अच्छे से पक जाए तब तक। ये देखिए, बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। अभी हम इसको उतार लेंगे, अलग निकाल लिया हमने इसको। और अभी 2 चम्मच हमने मलाई ली है, उसमें चोको चिप्स डाली हैं और इसको मिक्स करेंगे। और जो बैटर हमने निकाला है उसको, दोनों को हम फ्रीज के अंदर रखेंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से सेट कर देंगे हम। इसके अंदर 4 चम्मच हम मिल्क पाउडर और डालेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। और ये थोड़े से मुरमुरे लिए हमने, एक छोटी कटोरी भर के और ग्राइंड करके इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, वरना हमारा बैटर थोड़ा गीला है। और ये 15 मिनट रखने के बाद बिल्कुल सेट हो गई है। अभी हम इसकी बर्फ़ी बना देंगे। ये देखिए, बड़े साइज़ की बर्फ़ी बनाई है हमने, और यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हुई है। कच्चे मतीरे की मिठाई बोल सकते हैं आप इसको, तरबूज की मिठाई।
और सभी जो बर्फी हमने बनाई है, चक्की भी बोल सकते हैं इसको, सर्व कर देते हैं। इतने बैटर में हमने बड़ी बड़ी 4 पीस बनाए हैं इसके। और अभी जो बैटर हमने चॉकलेट से बनाया था, तो इससे इसको डेकोरेट कर देंगे। तो जब आप बर्फी खाएंगे तो जैसे पेस्ट्री खाते हैं ना, उस तरह का भी टेस्ट साथ में आएगा। तो ये ऊपर से चॉकलेट फ्लेवर हो जाएगा और क्रीम मलाई से बन गई, तो क्रीमी चॉकलेट टेस्ट भी साथ में आएगा और ये देखने में भी बहुत प्यारी लगेगी। तो आज रक्षाबंधन भी है, तो बनाएं और खाएं और सबको खिलाएं। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताना कि मेरी ये मिठाई की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो घर के ही थोड़े से सामान में हमने ये मिठाई बनाकर तैयार कर ली है और बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।